थैंक यू एवरीबॉडी। पहली बात तो ये कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ऐसी कोविड सिचुएशन में आए और आपने ये इवेंट किया। दैट्स रियली थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो सर थोड़ा सा ये साइड ले लो सर, एक मिनट एक मिनट। अब तक का हो गया तो बताना, स्टार्ट विद द सेरेमनी। हां बुला ले। हां हां ठीक। वो पहले शॉर्ट्स करवा ले, पहले सेरेमनी का, उसके बाद सेरेमनी कर। हां उसके बाद वेट करेंगे। ठीक है उसके बाद। एक मिनट, लेकिन वी नीड टू हैव आवर कैमरा। हां सर स्टैंडिंग है। पंडित जी बीच में चालू है भाई, इतना बीच में मत आना। समबडी हैज टू गिव इट टू यू। चालू है मेरा। ब्रांड हो गया। नमस्कार, मैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन से संतोष शुक्ला। मेरे साथ हैं उस्मान खान जी और डॉक्टर सुचिता शुक्ला, सोनिया जी। आज गर्व की बात है कि हमारे स्टूडियो में अभी जी घर पर हैं कि सेट पर आसिफ शेख जी का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया जा रहा है। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड एक ऐसी पत्रिका निकालती है जो 70 देशों के अंदर रिलीज होती है। मैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इंग्लैंड की तरफ से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लंदन वीरेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर दिवाकर शुक्ल जी की तरफ से आज मुंबई में आपका सम्मान करने आया हूँ। और रिकॉर्ड सर्टिफिकेट पूरी टीम को, वो भाभी जी घर पर हैं कि पूरी समूह को मैं देने आया हूं। और ये बड़े गर्व की बात है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आज आसिफ शेख जी का नाम दर्ज हो रहा है। सर सर साइड से ये माइक कैमरा ऑन किया था क्या? ये अभी सर आराम से आराम रोल धीरे धीरे। सर इस साइड से, इस साइड से सर, यहाँ सेंटर से, यहाँ से, यहाँ से सर आप इधर आ जाओ। हाँ सर। सर सर ये जो है आसिफ भाई को जो अवार्ड दिया जा रहा है, ये ख़ास करके जो भाभी जी घर पे है उसमें जो आसिफ भाई ने एक अलग बनाया है, वो कैरेक्टर जो है ना 300 कैरेक्टर्स जो प्ले किए हैं 7 साल के अंदर, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और इसके लिए मैं आसिफ भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। संतोष भाई आप प्लीज़ आप चीज कराइए ना। थैंक यू सर। सर सर आप एक हाथ लगे। उस्मान सर जी सर ये रुकिए सर, सर प्लीज एक मिनट या प्लीज ये सर यहाँ पे देखिए। सर सर बहुत सर प्लीज। थैंक यू सर। एक मिनट फोटो। आई वुड लाइक टू से फ्यू वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच संतोष भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे ये 300 एपिसोड कैरेक्टर्स का आपने ये मुझे सर्टिफिकेट दिया, अवार्ड दिया। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं ये शेयर करना चाहता हूँ अपने डायरेक्टर, अपने राइटर और अपने क्रिएटिव हेड के साथ, बिकॉज इनके बगैर शायद मना कर पाता, बिकॉज इन्होंने ही कंसीव किए हैं कैरेक्टर्स, तो इनकी जो कंसीव करने के बाद मैं उनको एग्जीक्यूट कर पाया। सो आई थिंक दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और मैं इनको मनु संतोषी, शशांक बाली एंड हर्षदा पोटनिस, इन तीनों के साथ ये डेडिकेट करता हूँ इन तीनों को, बिकॉज दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। थैंक यू सर। रिकॉर्ड जो है ना भाभी जी घर पे है, जो इनकी टीम है, जैसे आसिफ भाई ने बोला है, जो राइटर हैं डायरेक्टर हैं, तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इनको बहुत बहुत बधाई देता है। और आप लोग भी डिज़र्व करते हो, तो अगर ऊपर वाले ने चाहा तो शायद हम लोग आपके साथ में आगे चले। हमारे लिए सबसे बड़े सम्मान की बात है कि हमारे सर को ये अवार्ड मिला है, जो हमारे उस्ताद हैं, इनसे सीखा है हमने। और हमारी ये दुआ है कि और बड़ा सम्मान इनको मिले। सर ये डिजर्व करते हैं ये। जी जी ये डिजर्व करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डिजर्व करते हैं। मैं भी एक बात कहना चाहूँगा। हाँ जी मैं एक बात कहना चाहूँगा। सर कट कर रहे हैं सर। एक सेकंड कि गेटअप
बिना मतलब मेकअप कर दिया, कपड़े दे दिए अलग अलग, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन उस गेटअप के साथ एक डिफरेंट कैरेक्टर को प्ले करना वो एक अलग चीज़ होती है और वो बहुत मुश्किल होता है, जो आसिफ भाई ने बेहतरीन तरीके से किया है। हम सिर्फ उसके लिए सोच सकते हैं जो उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकता है, हमारा काम है सोचना, इनका काम है उसको कर पर्दे पे कर लेना। गोल इन्होंने मारा है, हम लोग स्टेडियम के बाहर हैं। नहीं बिल्कुल, और ये कैरेक्टर और हर कैरेक्टर मुख्तलिफ है अपने आप में, कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, तो ये चीज़ अब ये बड़ी सबसे मुश्किल बुरी बना हर कैरेक्टर को अलग तरीके से निभाना करना है उसका। मतलब फीमेल गेटअप भी मेरे ख्याल से सर ने कितने हुए रहेंगे, लेकिन हर फीमेल गेटअप में या फीमेल कोई कैरेक्टर फीमेल्स में भी बहुत वैरायटी थी इन्होंने, इनके अंदर काफ़ी फीमेल्स हैं, सबके अंदर काफ़ी सारी फीमेल्स भरी हुई हैं। मैंने मनोज से मैं बोलता हूँ कि मनोज तूने मुझे 21 साल की लड़की से लेकर 75 ईयर्स की ओल्ड की बुढ़ी औरत का रोल दिया उन्होंने, मतलब औरतों में भी उन्होंने मुझे इतनी रेंज दी है। मैं संतोष भाई की जो वाइफ हैं भाभी जी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप बहुत बड़ी फैन हैं आसिफ भाई की और भाभी जी के, कुछ कहना चाहेंगे आप आसिफ भाई के बारे में? आसिफ जी मैं कहना चाहता हूँ कि अभी 15 दिन पहले उस्मान जी दौर थे और मेरे पिताजी की डेथ हुई और मेरी मम्मी मेरे पिताजी आदि जी घर पर है, सीरियल हम लोग न जाने कब से देखते आ रहे हैं, मैं भी कहीं से आता था तो उनके साथ बैठ जाता था और एक कहीं भी अपना मैं चूँकि एडवोकेट हूँ तो मेरा काम दिमाग का ही होता है, थका हारा में कोर्ट से कहीं से भी आता था तो अगर वहाँ मैंने थोड़ा सा एपिसोड देखा तो हंसते हुए मैं अपना वापस निकल जाता था और आज मैं ये सर्टिफिकेट देखिए कि वो मेरे माता पिता जिस तरीके से वो एपिसोड वो सीरियल देखते थे, आज कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी आपके साथ कनेक्ट हो गई। आज 15 दिन हुए हैं, मेरा बिल्कुल नहीं आ सकता था, कहा कि इस समय हम लोग 1.25 महीने के कम से कम घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन आज इस सीरियल के लिए, आसिफ भाई के लिए, भाभी जी घर की है कि टीम के लिए और मेरे पिताजी के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में भी मैं ये सर्टिफिकेट आपको बताऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और आसिफ भाई एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जैसे कि संतोष भाई ने बोला है ये, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ हुई है, एक्चुअली फिल्मों वाला सीन हुआ है, हमने अभी 25 तारीख को एक इवेंट किया है इंदौर में, तो इवेंट चालू है, उदित नारायण जी और समीर रंजन जी को हम अवार्ड दे रहे हैं और न्यूज़ आई है कि संतोष जी के डैडी, आप सोचिए कितना क्या सिचुएशन होगी और वहाँ पर 500 आदमी का होगा, लेकिन संतोष भाई ने उस इवेंट को मुकम्मल किया और उसके बाद में खैर वो मुकम्मल हो गया है सब कुछ होने के बाद में और आपसे सारी चीज़ें हो गई थी, डेट फिक्स हो गई थी, तो मैंने उनको बोला है संतोष भाई को आपसे कुछ शेयर नहीं किया था ये चीज़, तो मैंने कहा संतोष भाई अगर आप चाहें तो डेट इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रेरणा भी आपके बॉलीवुड से मिली है, जब 5 बजे थे प्रज्वलन हुआ उसी दौरान ये सब चीज़ें जब हो रही थी तो या तो मैं उसको पिकअप कर देता या फिर जो लोग बाहर से आए हुए हैं पूरे हिंदुस्तान से उनको मैं आगे बढ़ाता, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ख्याल आप समझ सकते हैं, उसको बोल कर नहीं बता सकता, लेकिन वो प्रेरणा भी कहीं ना कहीं आपके बॉलीवुड से मिली। थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, प्राउड ऑफ यू सर। हाँ मार दी, अरे ये अरे दर ये बस साइड सर वीडियो को थोड़ा आवाज वीडियो को दे रहा एक अब एक सिंगल हाँ एक बुढ़ा ये साइड लगा था बसा तुम्हें बता सर जरा वीडियो के लिए सर आम सिंगल करते सर वीडियो के लिए सर आगे सर आप दोनों का सही दो का सही होते चलो भाई आपको भी दो एक अरे क्या बात है वेरी गुड एक बड़ा तू आगे क्यों जा रहा जूम में तेरे पास अरे यार फिर
यू। फिलहाल तो कैसा फील कर रहे हैं ये जानना चाहूंगी। ग्रेट, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि मेरे हार्ड वर्क का और मेहनत का मुझे फल मिला है और आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। राइट, तो जब ये चीज आपको पता चली थी तो ऑब्वियसली आपके फैमिली के साथ से आपने शेयर किया ही होगा, तो ऑब्वियसली वो खुश तो हुए होंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत खुश हुए एंड बिकॉज़ फैमिली डेफिनेटली पूरी आपकी सपोर्ट होती है आपके थिक एंड थिन में, हर अच्छे वक्त में बुरे वक्त में, और माय वाइफ हैज सीन सम वेरी बैड डेज ऑफ माइन आल्सो, सो डेफिनेटली उसको बहुत खुशी हुई इस बात की कि हम सब इससे का सबका ही कंबाइंड एफर्ट होता है कि आप घर में अगर एक आदमी काम कर रहा है इसका मतलब नहीं कि वही काम कर रहा है, बिकॉज हर आदमी का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है, इमोशनली किसी का फिजिकली भी होता है, कोई आपके मेहनत करता है आपके अरेंज रन करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, और सीरीज ऑफ पीपल लाइक फ्रॉम राइटर टू डायरेक्टर टू क्रिएटिव हेड टू प्रोड्यूसर टू मेकअप मैन टू यू नो हेयर ड्रेसर, एवरीबडी हैज कॉन्ट्रीब्यूशन इन यू दिस थिंग, सो आई लाइक टू शेयर माई यू नो कलर्स और वॉट एवर आई मीन टू विद एवरी वन, जो भी मुझे इज्जत मिली है मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगा वो। हाँ देखिए, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यू आस्क। जब आप अपना करियर शुरू करते हैं तो आपको नहीं मालूम होता है कि आप किस ओर जाएंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे, क्या आप क्या कुछ अचीव कर पाएंगे ज़िंदगी में, और एक्टर की ज़िंदगी तो ख़ास तौर से बड़ी अनसर्टन होती है। तो जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मेरे भी बहुत ड्रीम्स थे, बहुत सपने थे, और मुझे इनिशियली फिल्में मिली हैं एज़ हीरोज़, मैंने कुछ 7-8 फिल्में की हैं एज़ हीरोज़, फिर उसके बाद देयर वाज अ लल टाइम, काम मिलना बंद हो गया, और उसके बाद फिर मैंने यू नो नेगेटिव रोल्स करने शुरू किए फिल्मों में, फिर कैमियो रोल्स करने शुरू किए, फिर कैरेक्टर रोल्स करने शुरू किए, लेकिन इवेंचुअली जब मुझे मुझे लगा कि सिनेमा में उस तरह के रोल्स नहीं मिल रहे थे मुझे जिस तरह मैं चाहता था, तो मैंने स्विच किया टेलीविज़न की तरफ, और टेलीविज़न में मुझे रोल्स भी अच्छे मिलने लगे, और फिर एक कहीं ना कहीं मुझे एक जॉब सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो मुझे टीवी ने दी, कि कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि यार एज एन एक्टर तो कम से कम मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है भाई, कंपेरेटिवली आप सिनेमा एक्टर हैं, आप टीवी एक्टर हैं, कहीं ना कहीं वो तो आप में वो नो कंपेरिजन होता ही है। लेकिन इन माई केस मैंने कभी भी, हालांकि मैंने करीब 100 के ऊपर फिल्में भी की हैं और थिएटर भी मैंने बहुत किया है और टेलीविज़न भी बहुत किया है, लेकिन मैंने होता ना कि टेलीविज़न में एक एटीट्यूड रखते हैं कि नहीं यार चलता है टेलीविज़न, लेकिन मैंने उस एटीट्यूड से नहीं किया, मैंने हमेशा ही सोच के किया कि इवेंचुअली गॉड हैज़ गिवन दिस अपॉर्चुनिटी, मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो मेरी ये कोशिश रही है कि मैं कैसे अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सकूँ, कैसे मैं उसको यू नो पब्लिक के सामने, ऑडियंस के सामने प्रोजेक्ट कर सकूँ कि विद बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़, बस मेरी ये कोशिश रही, एक वेरी ऑनेस्ट एफर्ट रहा है मेरा। एक एक्टर का जो किरदार निभाना है वही उसके ज़िंदगी का हिस्सा होता है या वही उसके पार्ट होता है जॉब का, लेकिन एज यू सेड मैंने नेगेटिव रोल्स किए, फिर कॉमेडी में आना या फिर किसी भी, आपके लिए किस तरीके से मतलब कितना आसान या कितना डिफिकल्ट रहा ये तो नहीं पूछूंगी, लेकिन आपके लिए ये स्विच कैसा रहा? दिस स्विच यू टॉकिंग अबाउट, ये किरदार का जो स्विच है वो मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, every time there's a new character they write they conceive and they talk to me I get excited because usme kuch naya karne ko hota hai, ek nayi possibilities hoti hain aur jo ek monotony hai aapki zindagi ki wo tootti hai ki kuch alag kar rahe hain aap, kuch different kar rahe hain aap, aur that's what keeps me going as an actor. Mujhe lagta hai ki ek actor ke liye ek challenge agar nahi hai kisi cheez mein, ab to vibhuti to itna easy character hai ki it's like back of hand ki main easily kar jata hu, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते, लेकिन जब मैं कोई नया करेक्टर करता हूँ तो उसमें मुझे पूरा एक नया करेक्टर क्रिएट करना होता है, तो वो जो नया करेक्टर क्रिएट करने में जो एक प्रोसेस है, वो जो एक जो मज़ा है, वो एक अपने आप में एक उपलब्धि है, बिकॉज उसमें मैं अकेला ही नहीं होता हूँ, उसमें हर काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं,
कॉन्वर्सेशन होती हैं फ़ोन पे कि ऐसा क्यों, ऐसा ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, ये कपड़ा नहीं, ये भी कलर बराबर नहीं जा रहा है, ये ऐसा कलर कर लेते हैं. सो एवरी टाइम देयर इज़ अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन विच फैसिनेट्स मी एज एन एक्टर, कि मुझे लगता है कि आई फील इम्पॉर्टेंट ऑल ऑफ अ सडन. यू नो, एक आप कैरेक्टर कर रहे हैं जो रेगुलर कैरेक्टर कर रहे हैं, लेकिन आप ऑल ऑफ अ सडन आप नया कैरेक्टर करते हैं एंड द फोकस इज़ ऑन यू. The total focus is on you, and I enjoy that focus, and I feel responsible. कि यार मुझे character दिया है, तो I should do it with best of my abilities. मेरी ये कोशिश रहती है. तो जैसे कि you know आज award से जब आपको सम्मानित किया गया, जो certificate दिया गया, वो 300 अलग-अलग किरदारों के लिए दिया गया. तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कोई ऐसा character जो आपको inspired कर गया हो या एक अलग सी छाप छोड़ गया हो आपके life के लिए. देखिए, मैं जो भी करेक्टर करता हूँ उसमें कहीं ना कहीं तो इंस्पिरेशन होती है, तभी तो वो करेक्टर हो पाता है. तो बेसिकली मेरी इंस्पिरेशन है करेक्टर्स, बिकॉज मैं उन करेक्टर्स को परफॉर्म करता हूँ और किसी कंसीव किए करेक्टर परफॉर्म करता हूँ. तो मैं, मुझे इंस्पिरेशन देनी होती है उस करेक्टर को, उसमें मुझे अपना एक्सटेंशन करना होता है, ना कि उस करेक्टर से मुझे लेना होता है. लेकिन डेफिनेटली कुछ करेक्टर ऐसे हैं जो मेरे बड़े करीब हैं, जो मैंने बड़ा एंजॉय किया उन करेक्टर्स को. उसमें से एक जो सबको, मतलब सबको बड़ा पसंद है, एक मैंने, देयर वाज अ गाय कॉल्ड डार्लिंग कबाड़ी वाला, इज अ वेरी फनी कैरेक्टर, और बड़ी अच्छी लिंगो थी उसकी, और बड़ी अच्छी बॉडी लैंग्वेज थी, बड़ी अच्छी ह्यूमर भी थी उसमें. तो वो करेक्टर मेरे दिमाग में आता है. फिर देयर वाज अ करेक्टर कॉल्ड दीपू मस्ताना, वो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था. देन एक वी मैन करके था, ही वॉज अ सुपर मैन. वो भाभी जी को सिर्फ, यू नो, उस भाभी जी को सिर्फ वो एक्साइट करने के लिए, भाभी जी को सिर्फ यू नो ल्योर करने के लिए, वो ट्रॉली खड़ा होकर ऐसे हाथ खड़ के ट्रॉली मूव कर रही है, शी सेज माय गॉड ही इज फ्लाइंग इन द एयर. सो दैट दोज थिंग्स, हालांकि बहुत अननेचुरल है, लेकिन यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कन्विक्शन. सो कॉमेडी में एक चीज़ बड़ी अच्छी सिखाई है कॉमेडी ने, कि आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर कन्विक्शन नहीं है तो आपकी वो खोपड़ी लगेगी. तो कन्विक्शन होना बड़ा ज़रूरी है. तो हम कुछ भी करते हैं उसमें कन्विक्शन पहले डालते हैं, कि कन्विक्शन होनी चाहिए कि मैं उड़ रहा हूँ तो उड़ रहा हूँ, मैं वी मैन हूँ. आपको बिलीव करें ना करें, लेकिन मैं बिलीव कर रहा हूँ इस बात. सो एक ये बहुत ये चीज़ सिखाते हैं मुझे करेक्टर्स, कि आई हैव टू बिलीव इन दैट, नहीं तो अदरवाइज आई नॉट बी एबल टू डू इट, बिकॉज इस इज आउट ऑफ द हेड काइंड ऑफ कैरेक्टर्स. कि आपने कभी ऐसे कैरेक्टर देखते नहीं होंगे कि वो आदमी सड़क पे चला जा रहा है, वो कपड़ा अपना सूट पहन के और सुपरमैन का सूट पहन के और ऐसे खड़ा हुआ है और मतलब मूव कर रहा है गली में, लोग देख के उसके बोल रहे क्या बात. सो दीज थिंग्स आर अननेचुरल. अभी हम एक बार चांद पे पहुँच गए थे, हमने चांद पे रोमांस किया, वो वहाँ पर हवा में उड़ रहे हैं और वो सब. सो ये चीज़ें हमारी बेसिकली कोशिश रहती है कि हम ऑडियंस को कैसे हंसाएं, कैसे गुदगुदी करें उसको, तो कौन सी चीज़ अच्छी लगती है कैसे. तो उसमें क्या होता है कि एक पूरा प्रोसेस होता है उसमें, और हर आदमी अपना अपना कंट्रीब्यूशन करता है. जी, भाभी जी की बात करें तो काफ़ी सक्सेसफुल, सक्सेस मतलब बहुत ही सक्सेस देखी है, और काफ़ी लंबे समय से, और बहुत कम शोज ऐसे होते हैं जो इतने लंबे समय तक चलते हैं, और ये फ्रेशनेस जो आज भी है शो का वो कायम रहता है, क्योंकि यू नो भाभी जी के ऑडियंसेस जो है वो चेंज नहीं हुए, वो लॉयल ऑडियंस है. ऑडियंसेस जो है वो इतने सालों से हैं तो वो टिके हुए हैं, कहीं से भी बोर नहीं होता उनको, दैट्स बिकॉज ऑफ कॉमेडी. तो इस चीज़ के लिए क्या कहना चाहेंगे, यू नो, क्योंकि यू नो आज जो आप लोगों को सर्टिफिकेट मिला है वो पूरी टीम को ओवरऑल ऑफ कोर्स दिया गया है. तो इस चीज़ के बारे में क्या कहना. देखिए, ये जो आपने बोला ना कि आज भी ऑडियंस लगी हुई है, तो बिकॉज हमारी ये कोशिश रहती है कि कॉन्स्टेंटली एक तो फटीक को फाइट करते रहते हैं, वी फाइट द फटीक, कि कहीं ना कहीं एक चीज़ आप कर रहे हैं तो आप कहीं उसमें ऑटो पायलट पे तो नहीं आ गए कि जब आपने बस मानो ये स्लीप वॉकिंग, तो ऐसा नहीं है. आप हमेशा झकझोरते रहते हैं, हमारा काम ही रहता है कि हम उसमें से जो ऐसा कहीं ऐसा दिखता है कि ऐसे महसूस होता है तो उसको पहले पकड़ते हैं कि देखो करा जा रहा है, कम बैक, लेट्स डू इट दिस वे. कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे सीन कर देते हैं, देन आई रियलाइज कि नहीं यार, इस सीन का सुर सही नहीं है, लेट्स डू इट द अदर वे. तो पूरा सीन हम दोबारा करते हैं द अदर वे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी कन्विक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑडियंस चल रही है आपके कन्विक्शन से. अगर आपकी कन्विक्शन नहीं है उस सीन में, दैट मीन्स देयर समथिंग रॉन्ग विद द सीन. सो डेफिनेटली वी ट्राई टू रेक्टिफाई दैट, ये हमारी कोशिश रहती है और सबकी. दिवाली का मौका है, दिवाली भी आने वाली है, आपको तो आपका तोहफा मिल गया. सही बात है, मुझे तो तोहफा मिल गया. दिवाली की प्लानिंग है कि कल दिवाली मनाएं.
दिवाली ऑफ कोर्स इस बार तो डेफिनेटली दिवाली लेकिन डेफिनेटली बहुत सेफ्टी के साथ मनाएंगे, लेकिन हम दिवाली मनाएंगे। और फॉर्चुनेटली मैं इसी साल शिफ्ट भी हूँ नए घर में, तो इस घर की थैंक यू, इस घर की नई पहली दिवाली है। और दिवाली इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल, आई लव दिवाली, आई लव लाइट्स एंड आई लव द यू नो फैनफेयर। सो होपफुली इंशाल्लाह इस बार हमारी दिवाली अच्छी मने, हम सब अच्छी दिवाली मनाएं और सेफ दिवाली मनाएं, और पटाखे अवॉइड करें, मिठाई भी अवॉइड करें, हालांकि थोड़ी थोड़ी खा सकते हैं मिठाई।